तो गाइज रूप हेयर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज मैं हूँ चोमू। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे अरे मेरा मतलब मैं चोमू नहीं हूँ, मैं चोमू आया हुआ हूँ। और चोमू में ये चोमू पैलेस जहाँ पे हुई थी शूटिंग भूल भुलैया, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वही है चोमू पैलेस। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे आया क्यों। एक्चुअली क्या हुआ ना, 15 अगस्त आ रहा है इसलिए मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा था झंडा फहराने के लिए, और जिस ट्रेन से मैं जा रहा था उसका टायर चोमू में पंचर हो गया। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ट्रेन के टायर तो लोहे के होते हैं ना, तो वो पंचर कैसे होंगे। एक्चुअली जो ट्रेन है वो एक नई टाइप की ट्रेन है और इसका नाम है और इस ट्रेन का टायर किसी आदमी के नाखून से पंचर हो गया, तो मुझे 2 दिन के लिए इस पैलेस में रुकना पड़ेगा, तो रुक जाएंगे उसमें क्या है। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पे बुकिंग पहले से ही कर रखी थी। एक मिनट भाई, मेरे को ऐसा लगा ऊपर कोई है, छोड़ो कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट करे अंदर चलते हैं। और भाई तुम एक बार किसको देखो किले हो कि कितना ज्यादा बड़ा है, मतलब इसमें कोई घूम गया ना तो उसके मिलने के आसार 0 हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हो। भाई कितना बड़ा, और ये भाई डरावनी आवाज क्यों आ रही है माइनक्राफ्ट से। तो इस किले का काउंटर भाई साहब आप कौन हो। भाई साहब मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारतों से भरा। बोलो वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। भाई साहब मैंने यहाँ रूम बुक करा था, रूप नाम है मेरा। हाँ, आपका नाम दर्ज है भाई साहब, आपका रूम रेडी है। चलो मेरे पीछे एक और आदमी मरने को आ गया। तो क्या भाई साहब आपने कुछ कहा मरने को ऐसा कुछ। तो आपको नहीं पता यहाँ का राज, क्या आपके नहीं चलती सर में खाज। खाज खुजली तो चल जाती है, कभी नहीं लाता। तो आप कौन से राज की बात कर रहे हो बता दो। यहाँ पे राज दफन है मौंजुलिका का। मौंजुलिका का भाई साहब, वो तो शूटिंग की बात थी ना और नाटक था ना वो सब। तो तुम्हारी तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा रूम देख लो आके। ये वाला है क्या रूम, यही होगा भाई साहब। कवर क्यों कर रहे हो, अबे अबे दीवारें क्यों लगा रहे हो। तुम्हें इस कमरे का राज नहीं पता इसलिए तुम इसमें जा रहे हो। तो राज क्या है इस कमरे का, मैं भूल गया। तुम्हारा रूम इस तरफ है तो ऊपर आ जाओ। यार इस कमरे में हो क्या सकता है जो मेरे को जानने से मना कर रहा था। अबे वो सुनने में कुछ प्रॉब्लम है कि तेरे को मैं बोल रहा हूँ ऊपर आ जा। तो सर प्रेजेंटिंग योर लग्जरी रूम। अबे ऐसा क्या लग्जरी लग रहा है तेरे को इस रूम में, दो तो बेड और कारपेट में से भी बदबू आ रही है और यहाँ पे कांच का टूटा हुआ है। भाई सर एक आदमी यहाँ से कूद गया। वो कूद गया। हाँ सर भूल भुलैया की शूटिंग चल रही थी ना, तो एक आदमी यहाँ से कूद गया, स्टंट मैन था, नीचे बच गया। हाँ फिर ठीक सर मैं चलता हूँ, एंजॉय योर रूम। अबे यार एंजॉय करने जैसा है क्या इस रूम में। Later that same evening. यार शाम हो गई तो मैं सोच रहा थोड़ा महल घूम आऊं। यार 27,000 रुपए 2 दिन के दिए हैं तो कुछ तो घूमू ना। तो जो मेरा रूम है उसके बगल में है कॉरिडोर में एक मिनिएचर गार्डन। वो भाई पेड़ वेड़ उगा रखे और ये हवा में है वो। तो गार्डन के साइड में है वापस वही वाला हॉल, और ये तो वही कमरा है ना जहाँ पे उसने मेरे को जाने नहीं दिया था, लेकिन अब मैं इसके अंदर जाके रहूंगा लेकिन साइड से चला जाता हूँ। आगे तो उसने ईंट पत्थर दीवारें लगा रखी है। ओके तो यही है वो कमरा। भाई ऐसा क्या है इसमें, सोने के ब्लॉक लगा रखे हैं ठीक है, लेकिन यार सिर्फ सोने के ब्लॉक की वजह से उसने मेरे को जाने ही नहीं दिया, मतलब देखने ही नहीं दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें वो आवाज आ रही क्या भाई, ये आवाज यहाँ से तो नहीं आ रही ना। सुनो अब बंद हो गई आवाज। ये क्या लिखा है भाई, ये किसकी कब्र बनी हुई है और विदर रोज, मतलब दुख वाले क्यों लगा रखे हैं। मौंजुलिका भाई ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ से जितनी जल्दी भाग सके उतनी जल्दी ठीक है, लेकिन यहाँ से आया था ना मैं। अबे मौंजुलिका गाना गाना बंद कर दे, कॉपीराइट आ जाएगा। ऊपर से आ रही है शायद आवाज। भाई गारंटी लगा लो आवाज इसी कमरे से आ रही है। मैं काम करता ये वाला गेट ही तोड़ दे तो। भाई लेफ्ट से कोई राइट गया। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओ भाई वो परछाई किसकी है, और अब वो परछाई गायब भी हो गई। मैं देखने की कोशिश करता हूँ ऊपर नीचे कुछ। ओ भाई भाई भाग 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 भाग। मैं काम करता हूँ पॉज करके देख लेता हूँ कि वर्ल्ड में है कौन रूप और मौंजुलिका। चलो ये तो ठीक है कि मौंजुलिका के साथ साथ मैं भी ऑपरेटर रूप भाई मेंबर बना दिया। भाई इस महल से भागने में भलाई, भाई मौंजुलिका सामने से जा रही है यार। मैं काम करता हूँ खिड़की से कूद के बाहर। और मौंजुलिका नमस्ते। नमस्ते।
अबे ये तो बहुत जल्दी का, भागो यहाँ से। अबे काश टूट जल्दी, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। जैसे वो आदमी कूदा था ना मेरे कमरे में, वो जो आदमी बताया था, तो यहीं से कूद के मैं नीचे निकल लेता हूँ और फिर यहाँ से फरार हो जाता हूँ, इससे पहले कि मौंजुली का मेरा मॉर्टन फ्राई बनाए। लेकिन यार इस किले को मेरे को मौंजूलेखा के राज से बचाना। तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने कोई ठेका ले रखा है इस महल को बचाने का, लेकिन यार स्क्रिप्ट में ये लिखा है तो ये करना पड़ेगा। तो जल्दी से इस ईंट की दीवार को तोड़ देता हूँ जो उस आदमी ने लगाई थी। तो फिलहाल मैं इसके अंदर तो आ चुका हूँ और यहाँ जो चेस्ट थी इनमें मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो मौंजूलेखा को मारने का सामान। हो भाई ये तो मौंजूलिकन स्वॉर्ड है। मैं काम करता हूँ, वो देखो तुम्हें मौंजूलिका का गेमर टैग दिख रहा होगा वो रहा, तो मैं भी गाना गाता हूँ, तो क्या पता मौंजूलिका आ जाए मेरा गाना सुन। तो 3, 2, 1 तो गाइस मौंजूलिका आ गई है, अब इसको मैं पेल दूंगा। ये सही टाइम है, जल्दी से पीछे से जाके इसको एक पलटी देता हूँ। लग जा, ओ भाई भाई मर जा, बच गई, मर जा, मर गई। और आखिरकार जो म्यूजिक 10 घंटे से चल रहा था वो बंद हो गया, इसके साथ ही भाई मौंजुली का गेम भी लेफ्ट कर गई। और अभी यहाँ से भागने में भलाई है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है। बाय बाय चोमू पैलेस और बाय बाय मौंजुली का।